सुनो हसने सुनो हसने ने क्या मर्तबे अल्लाह से पाए हैं। सुनो हसने ने क्या मर्तबे अल्लाह से पाए हैं। खिलौने खुल्द से लेकर उन्हें जिब्रील आए हैं। मचल कर जिस घड़ी मचल कर जिस घड़ी बचपन में जिद की है सवारी की, रसूले पाक ने खुश हो के कांधों पर बिठाए हैं। जनाब शौक वजीर गंजवी कहते हैं कि सुनो हसनैन ने क्या मर्तबे अल्लाह से पाए हैं। खिलौने खुल्द से लेकर उन्हें जिब्रील आए हैं, और मचल कर जिस घड़ी बचपन में जिद की है सवारी की, रसूले पाक ने खुश हो के कांधों पर बिठाए हैं। ये मर्तबा है हजरत फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हजरत इमाम हसन और दूसरे बेटे इमाम हुसैन का। ये उनके बचपन की बहुत ही मशहूर बात, जिसको हसनैन की तख्ती के उनवान से लोग जानते हैं। ये दोनों ही भाई बचपन में एक दिन एक तख्ती हसनन और एक तख्ती हुसैन, दोनों भाई अपनी अपनी तख्तियाँ लिख कर लाते हैं और अपनी वालदा से कहते हैं कि अम्मी जान, आपको ये फैसला करना है कि हम दोनों में से किसकी लिखाई बेहतर है। तो फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दोनों बच्चों की बात सुनकर उनको कहाँ जाने के लिए कहती हैं, फिर इस हसनैन की तख्ती का फैसला किस तरह होता है कि किस भाई की लिखाई अच्छी है और किसकी खराब। समाप्त कीजिएगा हसनैन की तख्ती। शायर हैं शौक वजीर गंजवी और फनकार तस्लीम आरिफ। बड़ा है यूं तो रुतबा शौक सब अल्लाह वालों का, बड़ा है यूं तो रुतबा शौक सब अल्लाह वालों का, मगर है मर्तबा कुछ और ही जहरा के लालों का, मगर है मर्तबा कुछ और ही जहरा के लालों का, मगर है मर्तबा कुछ और ही जहरा के लालों का। बड़ा है यूं तो रुतबा शौक सब अल्लाह वालों का, बड़ा है यूं तो रुतबा शौक सब अल्लाह वालों का, बड़ा है यूं तो रुतबा शौक सब अल्लाह वालों का, मगर है मर्तबा कुछ और ही जहरा के लालों का, मगर है मर्तबा कुछ और ही जहरा के लालों का, मगर है मर्तबा कुछ और ही जहरा के लालों का। पहला बंद, सुनो एक वाकया है दोस्त तो हसनैन की तख्ती, अली शेरे खुदा के दोनों नूरे ऐन की तख्ती, वही हसनो हुसैन बुने अली दूदो सखा वाले, सदाकत के अलम्बरदार और सब्रो रजा वाले, वही हसनैन प्यारे मुस्तफा के जो नवासे हैं, वही हसनैन जो नूरे नजर खैरुन्निसा के हैं। अभी बचपन के दिल थे कमसिनी का दौर था उनका, मगर इस उम्र में संजीदगी का दौर था उनका, जनाबे फातिमा जहरा उन्हें घर में पढ़ाती थी,
बड़े ही प्यार से दोनों को वो लिखना सिखाती थी। सुनो एक रोज का किस्सा, वो दोनों भाई खुश होकर उठे और लिखने बैठे कुछ इबारत अपनी तख्ती पर। गरज दोनों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर तख्तियां लिखी, लिखाई ऐसी जैसे कुदसियों ने नेकियां लिखी। कहा फिर फातिमा से जाके अम्मी जान तुम देखो, कहा फिर फातिमा से जाके अम्मी जान तुम देखो, कहा फिर फातिमा से जाके अम्मी जान तुम देखो, कहा फिर फातिमा से जाके अम्मी जान तुम देखो। लिखाई किसकी बेहतर है जरा ये फैसला कर दो, लिखाई किसकी बेहतर है जरा ये जाके अम्मी जान तुम देखो, लिखाई किसकी है बेहतर जरा ये फैसला कर दो। बीबी फातिमा दोनों बच्चों पे जब नजर डालती हैं, उनकी लिखाई देखती हैं, तो क्या हुक्म देती हैं, समा फरमाइए। लिखाई देख कर दोनों की खुश थी फातिमा जहरा, मगर फिर गौर करके फातिमा ने दिल में ये सोचा, लिखाई एक थी अच्छी बताई तो बुरा होगा, लिखाई एक की अच्छी बताई तो बुरा होगा कि मेरे दूसरे फर्जंद को सदमा बड़ा होगा। किसी बेटे का दुख मुझसे गवारा हो नहीं सकता, कि जीत और हार का मुझसे इशारा हो नहीं सकता। ये है मैंने फाके दोनों को हसरत से पाला है, मेरा हर एक बच्चा मेरे इस घर का उजाला है। करूं मैं खुश किसे और कौन से बच्चे का दिल तोड़ूं, ये सोचा फैसला दोनों का इनके बाप पर छोड़ूं। बड़े ही प्यार से दोनों के हाथों को दिया बोसा, लगाया दोनों को सीने से और पेशानी को चूमा, कहा दोनों से ये तख्ती दिखाओ बाप को जाकर, कहा दोनों से ये तख्ती दिखाओ बाप को जाकर, कहा दोनों से ये तख्ती दिखाओ बाप को जाकर, कहा दोनों से ये तख्ती दिखाओ बाप को जाकर। बताएंगे वही अब ये लिखाई किसकी है बेहतर, बताएंगे वही अब ये लिखाई किसकी है बेहतर, बताएंगे वही अब ये लिखाई किसकी है बेहतर। वालिद के पास चले जाओ, वही इसका फैसला करेंगे कि किसकी लिखाई ठीक है और किसकी खराब। ये दोनों भाई अपनी अपनी तख्ती लेकर हजरत अली के पास जाते हैं, फिर हजरत अली इनको क्या हुक्म देते हैं, समाप्त कीजिएगा। ये सुनकर दोनों भाई बाप की खिदमत में जा पहुंचे, दिखाई तख्तियां उनको
कहा बाबा बता दीजिए कि हम दोनों ने अपनी अपनी तख्ती आज लिखी है, जरा ये फैसला कीजिए लिखाई किसकी अच्छी है। अली शेरे खुदा खुश हो गए, फिर ये ख्याल आया मैं किसका हौसला तोड़ूं, बड़ा दिल में मलाल आया, हसन को खुश करूंगा तो हुसैन आंसू बहाएगा, हुसैन पल बताया तो हसन को दुख बड़ा होगा। मेरे नूरे नजर हैं मुझको तो दोनों बराबर हैं, करूं रंजीदा किसको दोनों ये सिबते पयंबर हैं। बड़ी ही कश्मकश में थे अली शेरे खुदा उस दम, कहा फिर प्यार से ये फैसला करते हैं बच्चों हम, के तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ, के तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ, के तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ, के तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ, तुम अपनी तख्तियां नाना को अपने जाके दिखलाओ, अपनी तख्तियां नाना को अपने जाके दिखाओ, के तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ, दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ, के तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ, के तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ, तुम अपनी तख्तियां नाना को अपने जाके दिखाओ, अपनी तख्तियां नाना को अपने जाके दिखलाओ, तुम अपनी तख्तियां नाना को अपने जाके दिखलाओ। बात सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ, ऐ मेरे प्यारे बच्चों ये तख्तियां लेकर तुम अपने नाना जान के पास चले जाओ, वही इस बात का फैसला कर सकते हैं कि किसकी लिखाई अच्छी है। अब ये दोनों भाई अपने नाना जान जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जाते हैं और उनसे जो कुछ कह रहे हैं समाप्त कीजिएगा, क्या कह रहे हैं। गए हसन हुसैन अब अपनी अपनी तख्तियां लेकर, वहीं पहुंचे जहां बैठे थे तो आलम के पैगंबर, रसूले पाक जलवा फरमाते उस वक्त मस्जिद में, वो दोनों भाई जा पहुंचे वहां एक आने वाहिद में, कहा कि नाना जान हम इसलिए आए हैं खिदमत में, हमारा फैसला फरमाइए अपनी अदालत में, ये अपनी जीत की उम्मीद और हसरत से दोनों ने लिखी है अपनी अपनी तख्तियां मेहनत से दोनों ने, तुम ही मुनसिफ हो अब इस हाल से वाकिफ जरा कर दो, लिखाई किसकी अच्छी है जरा ये फैसला कर दो, रसूले पाक भी इस सोच में खामोश बैठे थे, करूं मैं हार का और जीत का अब फैसला कैसे, अली और फातिमा ने जब नहीं तोड़ा है इनका दिल, मुझे भी हो गया ये फैसला करना बहुत मुश्किल, दुखाऊं दिल में किसका दोनों ही ये मुझको प्यारे हैं, दुखाऊं दिल में किसका दोनों ही ये मुझको प्यारे हैं, मेरे लफ्ते जिगर हैं ये मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे लफ्ते जिगर हैं ये मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे लफ्ते जिगर हैं ये मेरी आंखों के तारे हैं।
ताजदार हमारे आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। ये दोनों भाई अपने नाना जान के पास जाते हैं, कहते हैं कि नाना जान आपको ये फैसला करना है कि हम दोनों भाइयों की लिखाई किस भाई की बेहतर है। तो हुजूर सरवरे कायनात के दिल में ये ख्याल आता है कि जब अली और फातिमा ने इनका दिल नहीं तोड़ा है तो अब मैं क्या करूं, मुझे ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप क्या करते हैं समाप्त कीजिएगा। बहुत मुश्किल है इनका फैसला अब क्या किया जाए, रसूले पाक थे इस सोच में के जिब्राइल आए, कहा जिब्रील से एक सख्त उलझन है वो सुलझाओ, मेरी जानिब से दोनों तख्तियां अल्लाह को दिखलाओ, गए रूहुल अमी पेशे खुदा वो तख्तियां लेकर, किया ये अर्ज के या रब लिखाई किसकी है बेहतर, खुदाए पाक ने भी हाँ किसी का दिल नहीं तोड़ा, तो आगे फैसला अल्लाह ने इस बात पर छोड़ा, कहा जिब्रील से एक सेब तुम जन्नत से ले जाओ, मेरे महबूब के प्यारे नवासों को न तड़पाओ, उछालो सेब को जाकर वहीं दोनों की तख्ती पर, गिरे वो सेब जिस तख्ती पे तख्ती है वो ही बेहतर, लिया एक सेब जन्नत से वहां रूहुल अमी आए, जहां सरकार और बच्चे जमा असहाब थे सारे, उछाला सेब को जिब्रील ने फिर सबको दिखला कर, ये सोचा सेब ने अफसोस मुश्किल आ पड़ी मुझ पर, किसी की हार का मैं ही सब बन जाऊंगा आखिर, किसी की हार का मैं ही सब बन जाऊंगा आखिर, किसी की हार का मैं ही सब बन जाऊंगा आखिर, किसी की हार का मैं ही सब बन जाऊंगा आखिर, हमेशा के लिए मैं ही बुरा कहलाऊंगा आखिर, हमेशा के लिए मैं ही बुरा कहलाऊंगा, हमेशा के लिए मैं ही बुरा कहलाऊंगा आखिर। जिब्रील जाओ, कहाँ जाओ, जन्नत से एक सेब ले जाओ और इस सेब को उन दोनों भाइयों की तख्ती पर उछालो, जिसकी तख्ती पर वो सेब गिरेगा बस समझ लेना उसी की लिखाई बेहतर है। जिब्रील अमीन जन्नत से एक सेब लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ रसूल करीम तशरीफ फरमा थे, और उस सेब को जब उछालते हैं दोनों भाइयों की तख्ती पर, तो उस वक्त वो सेब अल्लाह तबारक व तआला से क्या फरियाद कर रहा है, ये बात खास तरीके से समाज कीजिएगा। सेब की फरियाद, दुआ ये सेब ने उस वक्त मांगी आहुदारी से, किया ये अर्ज पेशे रब निहायत इंकिसारी से, इलाही रहम फरमा बात मेरी आज रह जाए, कि अब हसनैन के सदके में मेरी लाज रह जाए, इलाही रहम फरमा बात मेरी आज रह जाए, कि अब हसनैन के सदके में मेरी लाज रह जाए, अगर सिवते नबी में से किसी का दिल दुखाऊंगा तो खुद को किस तरह दुनिया की लानत से बचाऊंगा, मेरा इंसाफ ही मुझको हमेशा की सजा देगा, मुझे मेरे खुदा हर कोई नजरों से गिरा देगा, मेरा इंसाफ ही मुझको हमेशा।
हमेशा की सजा देगा मुझे मेरे खुदा, हर कोई नजरों से गिरा देगा। सुनी जब सेब की फरियाद दिल रोया फरिश्तों का, ज़मीनो आसमां क्या अर्श आज़म भी लरज उठा। ये हालत देख कर रहमत खुदा की जोश में आई, खुदा ने सेब को फौरन दुआ मकबूल फरमाई, खुदा ने सेब की फौरन दुआ मकबूल फरमाई। हुआ दो टुकड़े फौरन सेब को कुदरत की मर्जी पर, हुआ दो टुकड़े फौरन सेब को कुदरत की मर्जी पर, आधा इधर आधा उधर दोनों की तपी पर, गिरा आधा इधर आधा उधर दोनों की तपी पर, गिरा आधा इधर आधा उधर दोनों की तपी पर। सेब को जिब्रील ने फिर सबको दिखलाकर तो ये सेब दोनों भाइयों की तख्ती पर, आधा उस तख्ती पर और आधा इस तख्ती पर, यानी आधा इमाम हसन की तख्ती पर और आधा इमाम हुसैन की तख्ती पर गिरता है। फजले हक से उस सेब की इल्तिजा ये रंग लाती है। उसके बाद क्या होता है आखिरी बंद में समाप्त कीजिएगा। दुआ ये सेब ने उस वक्त मांगी आहुजारी से, किया ये अर्ज पेशे रब निहायत इनकिसारी से, इलाही रहम फरमा बात मेरी आज रह जाए, कि अब हसनैन के सदते में मेरी लाज रह जाए। अगर सिबते नबी में से किसी का दिल दुखाऊंगा, तो खुद को किस तरह दुनिया की लानत बचाऊंगा। मेरा इंसाफ ही मुझको हमेशा की सजा देगा, मुझे मेरे खुदा हर कोई नजरों से गिरा देगा। सुनी जब सेब की फरियाद दिल रोया फरिश्तों का, ज़मीनो आसमां क्या अर्श आज़म भी लरज उठा। ये हालत देख कर रहमत खुदा की जोश में आई, खुदा ने सेब को फौरन दुआ मकबूल फरमाई, खुदा ने सेब की फौरन दुआ मकबूल फरमाई। हुआ दो टुकड़े फौरन सेब वो कुदरत की मर्जी पर, गिरा आधा इधर आधा उधर दोनों की तख्ती पर। हुआ जब इस तरह वो फैसला बाहम बराबर का, तो गूंजा एकदम नारा वहां अल्लाह अकबर का। मचल उठा खुशी का जज्बा यूं हर एक के सीने में, नजर आता था हर सू ईद का मंजर मदीने में। आया दुनिया पे अजमत हो गई शब्बीरो शब्बर की, तभी से हो गई मशहूर ये हसनैन की तख्ती। बड़ा है मर्तबा ऐ शौक उन जहरा के लालों का, बड़ा है मर्तबा ऐ शौक उन जहरा के लालों का, बड़ा है शेरे खुदा के नौ निहालों का, नबी के लाडले शेरे खुदा के।